खबर रीवा से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत फोर्ड रोड सिंधी चौराहा सराफा मार्केट में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया, जब टेलर की दुकान से आग की लपटें उठती दिखाई दी। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। घटना रात करीब 11 बजे घटित हुई है। बताया जाता है कि आगजनी की घटना में आसपास की दुकानें भी प्रभावित हुई हैं। जिस दुकान में आग लगी है वह दुकान आशीष नामदेव की बताई जाती है, जहां कपड़ों के सिलाई का काम होता है। आइए सुनते हैं मौके पर पहुंचे सराफा मंडल अध्यक्ष ने उक्त आगजनी की घटना के संबंध में क्या जानकारी दी है। मनोज यादव बुलाओ, आ गया हाथ ना लगाए पानी में, पानी में हाथ ना लगाए। कपड़ा क्या क्लोज वाली से एक एक कर आशीष नाम देव। क्या घटना हुई है सर? मैं दुकान बंद करके दो दिन से बाहर रहा हूँ, तो इधर आके देखा मैं आगे लग गई है दुकान पे, सिलाई की। अभी ये नहीं मालूम सर, मतलब ये कितने नुकसान लगभग क्या कर सकते? 2-3 लाख का सामान रखा रहा सर। कितने बजे घटना है? ये अभी रात की घटना है। कहाँ पे दुकान है? गुढ़ाई पे, सिंधी चौराहे पे। आग में कैसे काबू पाया गया? अब आग में सर हम लोग आए, दुकान शटर खोले, उसके बाद फिर आग से बाहर सामान निकाला गया। सूचना किसने आपको दिया? सूचना सब मोहल्लों वालों ने दी है। आपने पुलिस को फोन किया होगा? हाँ सर, बस मैंने फोन लगाया मैं आ गया इधर। कितने बजे घटना है? ये अभी 11:30-12 के बीच की घटना है जी। क्या नुकसान हुआ? क्या ग्राहकों का कपड़ा था, मशीन था, पैसा था। अंदाज कितने नुकसान हुआ? 2 लाख तक सर नुकसान हुआ है। आशीष नामदेव। और भी कोई अगल बगल? घर हमारा सर पाड़न टोला पे है। अगल बगल कोई दुकान? अगल बगल फिर दुकान सिलाई की ही है, उनका भी नुकसान हुआ है सर। 2-3 दुकान लग लग। हाँ।